गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और नेता विपक्ष माइकल लोबो समेत 8 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। गोवा विधानसभा में अब विधायकों की संख्या कांग्रेस के विधायकों की संख्या 11 से घटकर हुई 3। माइकल लोबो ने कहा आने वाले कुछ महीनों में तमाम और नेता मतभेद की वजह से छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। बिहार के बेगूसराय की घटना के बाद कानून व्यवस्था पर घिरी नीतीश सरकार। पुलिस अब भी कर रही आरोपियों की तलाश। बीजेपी ने बेगूसराय में किया विरोध प्रदर्शन। नीतीश राज को बताया जंगल राज पार्ट 2। कहा सत्ता के मोह में धृतराष्ट्र की तरह पड़े हुए हैं मुखौटा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दोनों देशों के करीबी और विशेष दोस्ती को और मजबूत करने के विचारों पर हुई चर्चा। भारत दौरे पर आई फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी की वार्ता। भारत फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय विकास सहयोग स्थापित करने के लिए हुए सहमत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क के तहत विकास परियोजनाओं को सुगम बनाने में मिलेगी मदद। और आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। अप्रैल से अगस्त 2022 में कुल निर्यात में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 19.7% का इजाफा। थोक महंगाई दर अगस्त में घटकर 11 महीने के निचले स्तर पर 12.41% पर पहुंची। जुलाई महीने में 13.93% पर थी थोक महंगाई दर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस के इन बागी विधायकों ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात की। इन कांग्रेस विधायकों में से पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में विपक्ष के नेता माइकल लोबो जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को ये झटका ऐसे वक्त पर लगा है जब पार्टी देश भर में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भले ही केरल में भारत जोड़ो यात्रा निकालने में लगे हैं, लेकिन लगता है उनकी कांग्रेस पार्टी ही जुड़ नहीं पा रही, बल्कि लगातार टूटती जा रही है। राहुल की यात्रा के बीच गोवा में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बुधवार की सुबह से ही मीडिया में जो खबरें आ रही थीं, दोपहर आते आते उसकी पुष्टि हो गई। गोवा में पार्टी को जोरदार सियासी झटका देते हुए कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता माइकल लोबो ने इसका ऐलान किया। इन सभी 8 विधायकों का बीजेपी के पार्टी कार्यालय में स्वागत किया गया। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री व मडगांव विधायक दिगंबर कामत सहित 7 अन्य विधायक शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से माइकल लोबो, दिलायला लोबो, एलेक्स सिकेरा, संकल्प अमोनकर, केदार नाइक, राजेश पलदेसाई और रुडोल्फ फर्नांडिस शामिल हैं। यू विल सी विद इन द नेक्स्ट 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, ऑल द टॉप लीडर्स हु हैड स्ट्रेंथन द कांग्रेस पार्टी आर गोइंग टू लीव दैट पार्टी बिकॉज There is too much of indifferences which is happening. They don't care. इस सियासी उलटफेर पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये सभी विधायक विकास को लेकर प्रधानमंत्री के विजन और उनके कार्यों से प्रभावित हैं। इसी वजह से इन विधायकों ने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी, मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्रहित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। निश्चित रूप से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने 2024 के इलेक्शन में बड़ी जीत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। बताया जा रहा है कि गोवा कांग्रेस के विधायक दल ने बैठक की और भाजपा में विलय होने का संकल्प पारित किया। गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं और इस साल फरवरी महीने में चुनाव हुए थे। राज्य में बीजेपी गठबंधन के पास 25 विधायक हैं तो वहीं कांग्रेस के पास 11 और अब इनकी संख्या घटकर 3 रह गई है। वैसे गोवा पहला राज्य नहीं जहां कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ी। इससे पहले अलग अलग राज्यों के तमाम बड़े नेता और केंद्रीय स्तर पर बड़े नेताओं ने हाल ही में पार्टी का दामन छोड़ा है। अभी पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले गुजरात से हार्दिक पटेल, पंजाब से सुनील जाखड़, दिल्ली से कपिल सिब्बल,
मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी से आरपीएन सिंह समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता पार्टी का साथ पहले ही छोड़ चुके हैं। पणजी से रविराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार में कानून व्यवस्था के उठते सवालों के बीच बेगूसराय जिले में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक व्यक्ति की हत्या और 10 नागरिकों को घायल करने वाले बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस मामले में बिहार की नीतीश सरकार पर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं और सरकार आरोपों से घिर गई है। भाजपा ने इसे जंगल राज पार्ट टू बताते हुए जदयू राजद सरकार पर हल्ला बोला है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय की ये तस्वीरें नीतीश सरकार के सुशासन के दावे को तार तार करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि राज्य में अपराधी बेखौफ हैं और प्रशासन पंगु। घटना है मंगलवार शाम की, जब किसी आतंकवादी गतिविधि की तरह 30 किलोमीटर तक अपराधियों द्वारा लगातार 11 लोगों को गोली मारे जाने से बेगूसराय में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पहले भी कई आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा में रहे बेगूसराय में मंगलवार शाम करीब एक घंटे तक अपराधियों ने जो तांडव मचाया उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। बछवाड़ा से चकिया तक के 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक अपराधी जहां तहां गोली चलाते रहे और इस दौरान 11 लोगों को गोली लगी, जिससे हर ओर दहशत का माहौल है। हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई और 10 लोग घायल हैं। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया है जो अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। जो घटना हुई थी बेगूसराय में उसके उद्भेदन के लिए हमने 4 विशेष टीमों का गठन किया है। हमारे जो पड़ोसी जिला है और हमारे जिलों के अंदर जहाँ भी संभावित ठिकाने थे अपराधियों के आने के और जाने के, सभी जगह सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है और सभी जगहों पर लगातार छापेमारी की गई है। इस मामले में बिहार की नीतीश सरकार आरोपों के घेरे में आ गई है। बीजेपी ने इसे जंगल राज पार्ट टू बताते हुए गठबंधन सरकार पर हल्ला बोल दिया है। और बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं, पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं, आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा। अब यहां तो ऐसे फायरिंग हो रही है जैसे आतंकवाद के जिनों में पंजाब और कश्मीर में फायरिंग होती थी। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनको बिहार की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी ने बुधवार को बेगूसराय बंद का आह्वान किया। बीजेपी नेताओं ने NH-31 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री बेगूसराय पहुंचे और इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बीजेपी ने मारे गए इंजीनियर के परिजन को 1 करोड़ मुआवजा एवं गोलीबारी से घायल लोगों को 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने घायल लोगों से अस्पताल जाकर भी मुलाकात की। आप नैतिकता दिखाएं और अपने सामने आकर के अपराधियों पर नकेल कसें। जो स्थिति हो गया है बिहार में, गुंडा राज, जंगल राज, जो सब का प्रयोग करे, रोपे बबुल तो आम कहां से हो। मुआवजा मिलना चाहिए 1-1 करोड़ को, जो एक शहीद होता है और उस शहादत का उसकी पूरी कीमत मिले, उसकी जिम्मेवारी तय करे। और जब तक भ्रष्ट पदाधिकारियों को नहीं हटा करके अच्छे लोगों को आप स्थापित करेंगे, कानून की व्यवस्था नहीं सुधरेगा। आई बास मत करिए मुख्यमंत्री जी। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली ये पहली घटना नहीं है। हाल ही के दिनों में ऐसी कई घटनाएं लगातार सामने आई हैं। ऐसे में नीतीश सरकार विपक्ष के सवालों के घेरे में आ गई है। पटना से सलमान हैदर और दिल्ली से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के बाद कहा कि भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। दोनों नेताओं ने नज़दीकी और विशिष्ट संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर विचार किया। प्रधानमंत्री ने भूटान के राजाओं द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाने में की गई भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा की मुलाकात के दौरान गर्मजोशी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के आगमन पर उनकी अगवानी की और उनके वापस जाते समय उन्हें छोड़ने के लिए वे खुद गाड़ी तक गए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
कैबिनेट की बैठक में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप चैंपियनशिप के साइनिंग ऑफ गारंटी की अनुमति दी गई। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप होने जा रहा है। इसका आयोजन नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में किया जाएगा। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा, 3 शहरों में इसको खेला जाएगा, नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कैबिनेट ने 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लिए सूची में कुछ और नाम जोड़े हैं, इससे जनजातीय समुदाय को काफी फायदा होगा। राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अभूतपूर्व फैसला जो बरसों से लंबित था उस पर लिया गया है, और मैं समझता हूं कि इस तरह के मामले में फैसला हो जाने से उन राज्य के तमाम ऐसे लोगों को अनुसूची में शामिल करते हुए आगामी दिनों में उन्हें लाभ प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रहे IDF विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 में आयोजित विशेष चर्चा सत्र में भाग लेने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान परंपरागत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए समन्वित कृषि पर जोर दिया। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 में 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 15 सितंबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुधवार को फीड, फूड और वेस्टेज विषय पर आयोजित एक महत्वपूर्ण चर्चा सत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए समन्वित तरीके से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि जानवरों को बेहतर चारा व इंसान को शुद्ध खाद्य के साथ कृषि में अनुपयोगी वेस्ट का सदुपयोग हो सके और किसानों को कम लागत में अधिक लाभ मिले। पशुपालन बढ़े, दुग्ध का उत्पादन बढ़े, किसान की आमदनी बढ़े। मुझे प्रसन्नता है कॉन्फ्रेंस यहाँ संपन्न हो रही है। ये एक भारत के लिए बड़ा अवसर है जब हम अपनी सारी चीज़ को दुनिया के सामने परोस सकते हैं और दुनिया में कुछ अच्छी विधा है तो उसको ले सकते हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए नीदरलैंड के डेयरी व पोषण विशेषज्ञ एलार्ड इंस्केलिंक ने कहा कि सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी की महत्ता को दिखाते हुए हमें अपने पशुओं को शुद्ध और पौष्टिक आहार खिलाने की जरूरत है, ताकि दूध की गुणवत्ता में सुधार के साथ उत्पादकता भी बढ़े। मोर मिल्क पर काउ प्रोड्यूस यू reduce the amount of feed you use for rearing the animal until she gets the first calf born. So that will be from nutritional side the biggest step. Then afterwards, when you have the manure, I think also their presentations were very clear on the possibilities you have with manure, by in the end saving your cost on fertilizer, but using the resources you have at your farm in a good way. सम्मेलन में मौजूद मारुति सुजुकी कॉर्पोरेट प्लानिंग निदेशक केनिचिरो फुकु ने गोबर और बायोगैस को ईंधन के रूप में बढ़ावा देने पर जोर दिया। बायोगैस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव द ह्यूज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर। नाउ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीबॉडी फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी टू अचीव द नेट जीरो एंड द कार्बन न्यूट्रलिटी। फॉर दिस पर्पस आई थिंक द काउ डंग एंड द एग्रीकल्चर वेस्ट इज वेरी वेरी यूजफुल। आई थिंक द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रिसोर्स इज अवेलेबल एंड हाउ टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन, how to make a system is a very important as a next step. गौरतलब है कि IDF WDS 2022 में 15 सितंबर तक 196 से ज्यादा विभिन्न चर्चा सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ डेयरी व पशुपालन के साथ कृषि से जुड़े तमाम नवाचारों पर न केवल अपने विचार व्यक्त करेंगे बल्कि किसानों को कम लागत में अधिक लाभ दिलाने के तकनीकी नवाचारों को देश और दुनिया के सामने भी रखेंगे। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन विश्व डेयरी समिट 2022 में भाग लेने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फीड, फूड और वेस्टेज को लेकर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सत्र में भाग लेते हुए एक और जहां भारत की प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की तारीफ की,
वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भारत की परंपरागत कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर देते हुए इसे किसानों के लिए कम लागत में अधिक उत्पादन लेने का मार्ग बताया। मेरे से की कैमरामैन कमलेश और संदीप के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। गुजरात के सूरत में दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि राजभाषा और स्वभाषा के प्रसार के लिए मंत्रालय हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह जी ने संभाली है, तब से ये काम और तेजी से चल रहा है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकृत किया गया था, तो संविधान के अनुच्छेद 351 में ये प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार को ऐसे सारे उपाय करने चाहिए जिससे राजकाज की भाषा हिंदी हो सके। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें चूंकि अंग्रेजी परस्त थीं और जन्म से ही कांग्रेस अंग्रेजी को बढ़ावा देने वाला एक राजनीतिक दल था, तो उस दौरान हिंदी के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए जिस तरह से उन्होंने हिंदी में वक्तव्य देना, भाषण देना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग किया, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसके लिए बहुत बड़े काम 3 वर्षों में किए। उन्होंने उसी के क्रम में ये तय किया कि अभी तक 75 साल तक दिल्ली से बाहर कभी हिंदी दिवस नहीं मनाया गया। ये इससे लगता है कि आमतौर पर पहले की जो सरकारें थीं उन्होंने केवल एक औपचारिकता की और उस औपचारिकता के कारण दिल्ली में ही उस कार्यक्रम मना लेते थे और उनका काम समाप्त हो जाता था। लेकिन अभी हमारे गृहमंत्री जी इन सब चीज़ों में बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने उसी संवेदनशीलता के क्रम में पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम हों उसकी शुरुआत आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद की है। श्रीनगर जिले के नौगाम इलाके में बुधवार शाम आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। खबरों के मुताबिक जब पुलिस को आतंकवादी के वहां होने की सूचना मिली तो सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी की। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियान ज़िले में भी सोमवार को हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से परिपूर्ण विचारकों और कर्मशीलों का राष्ट्रीय विमर्श लोक मंथन 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन 22 से 24 सितंबर तक गुवाहाटी में आयोजित हो रहा है। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोक परंपराओं में स्व का बोध शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। लोक मंथन कार्यक्रम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से परिपूर्ण विचारकों एवं कर्मशीलों का लोक मंच है, जहां कलाकार, बुद्धिजीवी और शैक्षिक वर्ग के लोग भारत के कोने कोने से एकत्र होकर ऐसे विषयों पर मंथन और चिंतन करते हैं जो समाज में वैचारिक गंभीर प्रश्नों के साथ साथ राष्ट्र और सभ्यता को आगे ले जाने का कार्य करता है। लोक मंथन 2022 का विषय भारत की लोक परंपराएं है, जो असम के गुवाहाटी में 22 से 24 सितंबर तक आयोजित होने जा रहा है। लोक मंथन तीसरा संस्करण सितंबर 22, 23, 24 को गुवाहाटी के आइकॉनिक कल्चरल सेंटर श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में होने वाला है। 22 सुबह 9:30 को भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी आदरणीय जगदीप धनखड़ जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में असम के महामहिम गवर्नर रहेंगे, मुख्यमंत्री जी भी रहने वाले हैं। समापन तो 24 तारीख को है, वो 24 तारीख को केरल के महामहिम गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। और लोक मंथन में जो मंथन हुआ था, वो मंथन से निकला हुआ जो मक्खन, उसको एक प्रकार से एक मैसेज के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबोले समापन मैसेज देंगे। इस अवसर पर लोक परंपराओं में स्व का बोध शीर्षक से प्रकाशित एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। पुस्तक के संबंध में जानकारी देते हुए प्रज्ञा प्रवाह प्रतिष्ठान ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रज किशोर कोठियाला ने कहा कि आज के समय में ये पुस्तक प्रासंगिक है। अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग संस्कृतियों के जो विद्वान हैं, उन्होंने परंपराओं पर लेख लिखा और परंपराओं के पीछे उनका
इतिहास ही नहीं, उनकी व्याख्या ही नहीं, उनका विज्ञान क्या था, वो उस उन परंपराओं के पीछे कारण क्या था, उसको भी खोजने का प्रयास किया। और जब ये प्रयास किया तो इन सबको विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया और विमर्श इस पुस्तक में हुआ है। इस अवसर पर मौजूद मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पुस्तक के संपादकों और प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्तियों को शुभकामनाएं दी। देखिए, मैं जो आज लोक मंथन पुस्तक का आज लोकार्पण हुआ है, मैं उसके लिए तमाम उन विद्वानों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जिनके प्रयास से ये पुस्तक लिखी गई है और ये समाज को एक सकारात्मक जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी लोक कथाएं हैं, उन सब से अवगत कराने का काम करेगी। तो मेरी आज इस पुस्तक के माध्यम से उन तमाम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये समाज के लिए भी और देश के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाली है। लोक दर्शन में प्रकृति कोई बाहरी या पराई चीज नहीं है, बल्कि वह जीवन का अविभाज्य भाग है। ऐसे कई विषय और भाव को लेकर कई लेख इस पुस्तक में शामिल किए गए हैं, जिनका आधारभूत विषय वस्तु भारत की लोक परंपरा है। लोक परंपराओं में स्व का बोध, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रासंगिक पुस्तक। दरअसल जब हम भारत की लोक परंपराओं की बात करते हैं तो हमारा सामना कई विषयों के साथ होता है और उसमें आमतौर पर ये भी देखा गया है कि भारत की लोक परंपराएं, भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास ऐसे कई अनुवादों से गुजरता है जिनका अनुवाद उसकी मूल भावना से मेल ही नहीं खाता। हम लोक शब्द को ही ले लें, लोक का अंग्रेजी अनुवाद है फोक, FOLK, लेकिन जो लोक में जो भाव निहित है वो फोक उस भाव को कैरी नहीं करता, उस भाव को कहीं लेकर नहीं जाता। और ऐसे ही कुछ विषयों को लेकर, भारतीय लोक परंपराओं को लेकर, लोक परंपराओं में पर्यावरण से लेकर रंगमंच तक के कई ऐसे विषय इस पुस्तक में सन्निहित हैं जिनका आधार, जिनका विषय वस्तु भारत की लोक परंपराएं ही हैं। और इसीलिए अगर आप भारत की लोक परंपराओं में स्व का बोध जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी और प्रेरणादायी साबित होगी। कैमरामैन किशन चंद और सहयोगी मुकेश कुमार के साथ मैं मनीष वाजपेयी, DD न्यूज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें राजनीतिक रूप से दो अत्यंत महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई, जिसमें 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने और OBC को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव भी शामिल है। कैबिनेट सचिव ने बताया कि राज्य में ऐसे व्यक्ति को स्थानीय माना जाएगा जिनके पूर्वज का नाम 1932 या पूर्व के सर्वे खतियान में शामिल होगा। वैसे व्यक्ति जिनके पूर्वज का नाम 1932 तथा उसके पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है, उसके आधार पर स्थानीयता की परिभाषा रखी गई है और इसके लिए विधेयक का गठन किया गया है। और जो भूमिहीन होंगे या खतियान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अथवा खतियान यदि पठनीय नहीं है तो ऐसे मामलों में ग्राम सभा द्वारा पहचान किया जाएगा और यह भी विधेयक है और इसे भी नवी सूची में भेजने का प्रस्ताव था जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नरेश कुमार का निधन हो गया है। वे 93 वर्ष के थे। उन्होंने बुधवार सुबह कोलकाता में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने डेविस कप में भारत का नेतृत्व किया था। उन्हें अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें पहले टेनिस खिलाड़ी के रूप में द्रोणाचार्य सम्मान मिला। उल्लेखनीय है कि नरेश कुमार का जन्म आज़ादी से पहले भारत के लाहौर में 22 दिसंबर 1928 को हुआ था। टेनिस में उनके सफ़र की शुरुआत 1949 में एशिया कप से हुई। इसके बाद वे और रामनाथन कृष्णन 1950 के दशक में भारतीय टेनिस का चेहरा बने रहे। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा,
श्री नरेश कुमार को भारतीय खेलों में उनके अग्रणी योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने टेनिस को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। वो एक महान खिलाड़ी होने के साथ साथ एक असाधारण गुरु भी थे। उनके निधन से आहत हूँ, उनके परिवार तथा मित्रों के लिए संवेदनाएं। ओम शांति। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में खिताब जीतने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह अंडर 17 लड़कों द्वारा कौशल, आत्मविश्वास और संयम का प्रभावशाली प्रदर्शन है। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।